तुम्हें कैसे फुर्सत मिल गई आज मेरे कमरे तक आने की? रंजन, मैं पापा के हिस्से के कागजात लेने के लिए आई हूँ, और ये रहा तुम्हारा 2 करोड़ रुपए का चेक। ओह, आज बहू को ससुर का ख्याल आ गया। लेकिन सुमन बहुत देर से आया, अब तुम लेट हो चुकी हो। रंजन, मुझे पापा के पेपर्स दे दो। क्यों? क्योंकि तुमने पैसों के लिए उन्हें गिरवी रखा है ना। मैं तुम्हारे पैसे लेकर आई हूँ, तुम मुझे पेपर्स दे दो। इट्स सिंपल। सुमन, तुमसे ये किसने कह दिया कि मैंने पैसों के लिए पेपर्स गिरवी रखे हैं? माय डियर सिस्टर, मैंने सुमानी विला का एक हिस्सा क्या ले लिया, तुम तो घबरा ही गई। अरे तब तुम क्या करोगी जब मैं पूरा सुमानी विला ले लूंगी? ये तुम क्या कह रही हो काजल? वही जो तुम सुन रही हो। सुमन, मेरी नजर तो इस पूरे सुमानी विला पर है, और राम चाचा यानी कि तुम्हारे ससुर जी का हिस्सा तो बस शुरुआत। काजल, मैं तुम्हें पापा के इमोशंस के साथ नहीं खेलने दूंगी। और तुम्हारे इमोशंस? सुमन, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। कितनी भोली भाली सीधी सादी बनकर तुम मेरे कमरे में आई हो। अरे वो सुमन कहाँ गई जो मुझे हर बात पे चैलेंज किया करती थी? अरे मैं तो भूल ही गई, अब तुम मुझे चैलेंज कैसे करोगी? तुम्हारी तो हर कदम पर हार गई है सुमन। देखो, राम चाचा के हिस्से के पेपर्स को भूल जाओ, क्योंकि अब उसकी मैं मालकिन हूँ। देखो प्रांजल, बेवकूफी मत करो। बेवकूफी तो तुम कर रही हो सुमन, मैंने तुम्हें बहुत अकलमंद समझा था, लेकिन तुम तो। देखो प्रांजल, ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं, पहले तुम मुझे पापा के पेपर्स दे दो प्लीज। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम हमारे घर की इज्जत मार्केट में उछाल सकती हो, इसलिए। घर की इज्जत? अब जब घर की इज्जत की बात चल ही गई है सुमन, तो एक बात बताओ, तुम अपने फ्लैट आधे दाम में क्यों बेच रही हो? इससे घर की इज्जत रह जाएगी। सुमन, अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो वो फ्लैट तो मुझे बेच देती, मैं खरीद लेती सारे के सारे फ्लैट। एक्चुअली सुमन, एक और तुम हो और दूसरी और मैं, जिसने राम चाचा के हिस्से के पेपर्स अपने पास गिरवी रख कर घर की बात घर में ही रखी, इसलिए अब तो वो पेपर्स मेरे ही रहेंगे। एंड दैट इज फाइन। मैं ये पेपर्स तुमसे लेकर ही रहूंगी पाजा, क्योंकि पापा। सुमन छोड़ो ना ये पापा मम्मी की बातें, चलो अब तुम्हारे हिस्से की बात करते हैं। तुम्हें तो अपने हिस्से की चिंता होनी चाहिए सुमन, जिसमें तुम अपने पति के साथ अजनबियों जैसी रह रही हो। वैसे सुमन, एक बात और, अगर तुम्हें कभी अपना हिस्सा गिरवी रखना हो ना, तो अपनी इस बहन को नहीं भूलना। मैं इनकार नहीं करूंगी, मैं खरीद लूंगी तुम्हारे हिस्से को। अब मुसीबत के वक्त बहन ही काम आती है ना। ये तुम नहीं, तुम्हारा घमंड होता है राजा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? घमंड तो उन्हीं लोगों में होता है ना जो हर काम के कैपेबल होते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुम इतनी सी बात नहीं समझती कि घमंड कभी ना कभी टूटता है, और अंत में जीत सच्चाई की ही होती है प्रांजल। ये कहावत तो तुम मुझे हजार बार सुना चुकी हो, मगर सुमन अब तो तुम मान ही लो कि तुम्हारी हार हो चुकी है। देखो ना सुमन, मेरे पास तो सिर्फ पेपर्स और तुम्हारे पास पैसा, मगर फिर भी मैं हंस रही हूँ और तुम फिर भी रो रही हो। एक काम करो सुमन, इन पैसों को ले जाओ और कोई दूसरी पार्टी देख लो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली।
प्रांजल मेरी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पर ये सब ठीक नहीं हो रहा है भाभी। हाँ भाभी, क्योंकि अगर चाचू के कागजात भैया के पास रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रांजल भाभी के पास चाचू के कागजात रहना ठीक नहीं है, क्योंकि भैया और प्रांजल भाभी की सोच भी अलग है और इमोशंस भी। हाँ भैया, अब तो प्रांजल भाभी को सिर्फ आप ही समझा सकते हैं। प्लीज भैया, आपको ये करना होगा। जो हुआ अच्छा ही हुआ लक्ष्मी, ये रोज रोज के झंझट से मुक्ति तो मिल गई, और देखो हमें अपना हिस्सा बेचना भी नहीं पड़ा, बस गिरवी रखा। हाँ, लेकिन किसके पास? अपना घर बच जाना किसे अच्छा नहीं लगता। शायद अच्छे दिन आए तो हम उसे छुड़ा भी लें, लेकिन 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 मैं सोच रही हूं कि प्रांजल के पास घर गिरवी रखने से तो अच्छा होता कि बिक जाता। आप लोगों ने मुझे बुलाया? हाँ प्रांजल। कहिए राहुल भैया, क्या बात है? यह है तुम्हारे 75 लाख रुपए का चेक, गौर से देख लो और तसल्ली भी कर लो। इसमें मैंने अमाउंट भी डाल दिया है और डेट भी, तुम जब चाहो अपने अकाउंट में जमा कर सकती हो प्रांजल। और एक बात, राहुल सोमानी ने आज तक ना किसी की बात सुनी है और ना सुनेगा। तुम्हारे बाकी के पैसे भी तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। नाउ यू कैन गो। लगता है आप दोनों अभी भी मुझसे नाराज हैं, और जाहिर है क्योंकि जिस तरह से मैंने आप लोगों से बात की, ठीक बात तो नहीं। लेकिन एक बात तो है ना कि जो काम पैसों से होता है। प्रांजल, मैंने कहा ना, तुम्हारे बाकी के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम जा सकती हो। नहीं राहुल जी, मुझे बाकी के पैसों की कोई जल्दी नहीं, क्योंकि आपके पैसों के बदले मैंने राम चाचा के पोर्शंस के पेपर अपने पास गिरवी रख लिए। घबराइए, ऐसा मैंने इसलिए सोच कर किया क्योंकि देखिए हम दोनों तो पार्टनर्स हैं, हमारे बीच में कभी भी एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन राम चाचा का क्या भरोसा, पता नहीं कब उनका दिमाग बदल जाए और आप सबके पैसे अटक जाए। इसलिए मैंने सोचा कि अब आप दोनों बताइए मैंने ठीक किया है। प्रांजल, तुम सच कह रही हो। देखिए, आप दोनों मेरे कमरे में चलकर उन पेपर्स को चेक कर सकते हैं, और फिर दीदी आप तो जानती हैं कि प्रांजल चाहे अच्छी बात बोले या बुरी, लेकिन कभी झूठ नहीं बोल सकते। वो सब तो ठीक है प्रांजल, लेकिन तुमने जिस तरह से मुझसे बिहेव किया सब लोगों के सामने, मुझे बहुत बुरा लगा। ये बात भी सच है आपकी राहुल,
मगर एक बात सोचिए ना, अगर उस दिन मैं चिल्ला चिल्ला कर आपको ये सब बातें नहीं सुनाती तो क्या राम चाचा अपना पोषण बेचने के बारे में विचार करते? और वैसे भी राहुल भैया, वो पेपर्स मेरे पास गिरवी हैं। I mean, हमारे पास गिरवी हैं। और सुषमा दीदी, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। फैक्ट तो ये है कि मैंने जो कुछ भी किया है आप दोनों के लिए किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को सॉरी कहना चाहिए। पर फिर भी अगर आप लोग मुझे क्रेडिट नहीं देना चाहते तो मैं सॉरी फिर से कह देती हूँ। वैसे भी जब मेरा पति मुझे नहीं समझ पाए तो आप लोग क्या समझेंगे? ठीक है, चलती प्रांजल। देखो प्रांजू, हमें गलत मत समझना। हमें क्या पता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, और फिर तुमने हमें कुछ बताया भी तो नहीं। देखो प्रांजल, ऐसे कामों में जनरली अपने पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस भी लिया जाता है, लेकिन तुमने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। राहुल भैया, अगर मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर ये काम करती तो क्या वो मुझे करने देते? आप दोनों अपने आप से पूछ के बताइए। ये बात थैंक गॉड आप लोग अल्टीमेटली मेरी बात तो समझ गए, वरना गॉड समझाते समझाते मेरा सर दुखने लगा। दीदी, अपने प्यारे प्यारे हाथों की मुझे कॉफी पिला दे। अब भी लग गई। बेटी, रोशन को तो मैंने सुला दिया, पर ये अचानक सूरज को इतना तेज बुखार कैसे हो गया? शाम तक तो ठीक था। अब हल्का सा बुखार था शाम को, मुझे लगा कि उतर जाएगा। और बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं डॉक्टर को फोन करता। पापा, डॉक्टर को तो मैंने फोन कर दिया है, आती ही होंगी। बस मैं प्रकाश को भी इसी वक्त आउट ऑफ टाउन जाना था। क्या आइए आइए। क्या बात है नारायण जी? बैठिए। वो सूरज की तबीयत ठीक नहीं है, शाम से बहुत तेज बुखार हो गया उसे। बुखार तो तेज है, मैं दवाई लिख देती हूँ, हर 2 घंटे में उसे रिपीट करिएगा, और फिर भी अगर बुखार ना उतरे तो मुझे फोन करना। या बेटा, बुखार तो कम हो नहीं रहा, क्या करें? पापा, मैं तो 4 डोज दे चुकी हूँ। मेरे ख्याल से मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, मैं नारायण बोल रहा हूँ। नहीं, वो सूरज का बुखार कम नहीं हो रहा है जी। हाँ हाँ, 4 डोज दे चुके हैं जी। हाँ, वो माथे पे पट्टियाँ तो हम रख ही रहे जी। प्लीज आप आ जाइए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर आ रहे हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे सर?
प्रांजल, तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो। क्यों, बड़ों की मदद करना जुर्म होता है क्या? बड़ों की मदद करना जुर्म नहीं होता, अगर मदद ही करनी तो सीधे सीधे मदद करो ना। उसके लिए राम चाचा का पोर्शन गिरवी रखवाने की क्या जरूरत है तुम्हें? सुरेंद्र, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि ये 10-20 हजार का मामला है, करोड़ों का मामला है। और मैं राहुल और सुषमा की तरह नहीं हूँ जो पहले करते तो है कच्चा काम, फिर बाद में राम चाचा के आगे पीछे घूमते फिरते। और तुमने सुमन की बात भी नहीं मानी, क्यों? देखो सुरेंद्र, सुमन और मैं दोनों बहनें हैं, इसलिए ये हमारी आपस की बात है, तुम इसमें बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा होगा। और वैसे भी मैं तो सुमन की आदत से जानती हूँ, उसने तुम्हें जो भी बात बताई होगी नमक मिर्च लगाकर ही बताई होगी। लेकिन सुरेंद्र, आई थिंक तुम प्रांजल को अच्छी तरह जानते हो, मैंने आज तक कोई भी काम चोरी छिपके नहीं किया बल्कि डंके की चोट पर किया। और शट अप, तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितनी तकलीफ पहुंची इसका अंदाजा है तुम्हें? और खानदान की इज्जत बचाने का ये कोई तरीका होता है? हो, खानदान की इज्जत? हाँ, तो खानदान की इज्जत कैसे करनी चाहिए अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। वही तरीका ना जो तुमने अपनाया था, एक घटिया औरत के हाथों में तुमने अपना ऑफिस और घर रख दिया, उससे भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन जब नहीं मिली तो शराब के नशे में डूब गए। बस एक लात और बाकी है सुरेंद्र, जुए की, वो भी शुरू कर दो। और हाँ, पैसों की चिंता मत करना, मैं हूँ ना, जैसे मैंने राम चाचा की मदद की है तुम्हारी भी मदद कर दूंगी। शट अप प्रांजल, वरना वरना क्या? हाँ बोलो, क्या कर लोगे तुम? हाथ उठाओगे मुझ पर? चलो ये शौक भी पूरा कर दो। लेकिन सुरेंद्र, मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, राम चाचा के मामले में ना तो मुझे तुमसे कोई बात करनी है और ना तो मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत है। डू यू अंडरस्टैंड? देखो सुरेंद्र, मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनो। जो लोग तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं वो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे वेलविशर्स तो जरूर हो सकते हैं, मगर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। अगर तुम मुझे क्रेडिट नहीं दे सकते तो मुझे डांटने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि सुरेंद्र, मैंने तो इस घर को एक बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। घर की बात घर में ही रह गई। जरा सोचो, अगर कल को कोई बाहर का आदमी इस घर में रहने आ जाता और हमारे सर पे सवार रहता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? लेकिन प्रांजू, तुमने इतनी बड़ी डील की और मुझे बताया था? हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि सुरेंद्र, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम होश में आ चुके हो। और वैसे भी तुम होश में थे ही कब? पहले तो तुम्हें अपने नाम और काम का नशा था, फिर शराब का, और अब दो कौड़ी के इमोशंस का। सच तो यह है सुरेंद्र कि ना तो तुम मुझे आज तक समझ पाए हो और ना तो समझ सकोगे। लेकिन हाँ, मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ, मुझे कब क्या करना है और कहाँ करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर।